इसरो के साइंटिस्ट अब भी चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर से संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं। 17 सितंबर को नासा का एलआरओ चांद के उस हिस्से से गुजरेगा जहां विक्रम लैंडर है। इसके अलावा नासा अपने लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर के जरिए चांद के उस हिस्से की तस्वीरें भी लेगा जहां विक्रम लैंडर गिरा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि नासा का लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर विक्रम लैंडर के बारे में कोई नई जानकारी दे। जाहिर है विक्रम लैंडर से जुड़ी अहम जानकारी के लिहाज से भारत के लिए अगले 24 घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं। हो सकता है आने वाली 24 घंटे में विक्रम को लेकर कुछ अहम जानकारियां मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, R90 News।